जम्मू कश्मीर में अब नहीं बचेंगे आतंकियों के मददगार। मददगारों पर यूएपीए से सख्त ये कानून का वार। आतंकियों की मदद पर मिल सकती है मौत की सजा। 4 दिन पहले रियासी पुलिस ने हकीम दान नाम के शख्स की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक राजौरी के रहने वाले हकीम दान ने चंद रुपयों के लिए पहले 2 आतंकियों को पनाह दी और फिर उन आतंकियों के लिए गाइड की भूमिका निभाई जिन्होंने 9 जून को शिवखोड़ी से कटरा जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर रियासी में हमला किया। गोली लगने और हमले के बाद बस के खाई में गिरने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हो गए थे। इस घटना के 2 दिन बाद 11 जून को कठुआ के हीरा नगर के एक गांव में आतंकी हमला हुआ था जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। पता चला कि यहां भी कुछ स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों को पनाह दी थी। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कठुआ वाली जो इंसिडेंट है इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लास्ट जो मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी एसआईए को सौंप दिया गया है और रियासी वाली जो अटैक है वो एनआईए को दे दी गई है। पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कंस्पिरेटर था वो अरेस्ट है। ये बताते हुए डीजीपी आरआर स्वैन ने आतंकियों के मददगारों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तानी और विदेशी आतंकियों के मददगारों पर अब यूएपीए से भी सख्त कानून के तहत एक्शन होगा। इस कानून का नाम है एनिमी एजेंट्स एक्ट, जिसके तहत विदेशी आतंकियों के मददगारों को ताउम्र कैद ही नहीं बल्कि मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं है। ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना है। इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, मैं कई किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। देयर इज नो अदर ऑफ मैने पनिशमेंट। इट इज ए हार्शर लॉ देन यूएपीए। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट, एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द एनिमी हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हु आर नो लोको स्टैंडाई हियर, वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्ते लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको और उनको इनको सजा दिलाएंगे। आतंकियों के ऐसे मददगारों को सजा जल्द से जल्द मिले इसलिए एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत विशेष कोर्ट बनाया जा सकता है। बट द डिफरेंस हियर इज ए हार्शर लॉ विल कम इन टू प्ले। देखिए टेररिस्ट अपना वाला बिगड़ा हुआ लड़का भी तो हो सकता है, उसमें तो मैं यूएपीए नहीं लगा सकता, सॉरी एनिमी एजेंट नहीं लगा सकता। वो चाहे कितना भी घिनौना काम किया हो, बड़ा सा बड़ा बम फोड़ा हो, अगर अपना है यहाँ का पर बाहर का आदमी है, पाकिस्तानी है और आपने उसको मदद करी, वी विल इन्वोक एनिमी एजेंट एक्ट। मददगारों पर यूएपीए की जगह एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि सुरक्षा बलों की कोशिशों से जम्मू कश्मीर में अब 20 के करीब स्थानीय आतंकी ही बचे हैं जबकि 60 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनके लिए स्थानीय मददगारों के बिना किसी हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। यही वजह है कि डीजीपी ने साफ साफ कहा है जहां आतंकियों को तो देखते ही गोली मार दी जाएगी वहीं मददगारों पर मौत की सजा वाले कानून यानी एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। News 18 JKLH.
और इस बीच बड़ी खबर भर